गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमारी सुबह की शुरुआत हुई सुबह 7 बजे से। तो 7 बजे मैं यहाँ पी रही हूँ अपनी चाय, गर्मा गर्म चाय। तो मैं यहाँ चाय पीने के बाद मैं नाश्ता वगैरह बना ली थी, और उसके बाद मैं बनाने लगी साग, पटुआ का साग। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, मगर हम लोग तो पटुआ का साग ही बोलते हैं। तो पटुआ का साग मैं बनाने लगी हूँ। को अच्छी तरीके से मैं वॉश कर लिया था, ये देखिए पटुआ का साग, इसको हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था और अब मैं इसे बनाने लगी हूँ। तो बस यहाँ देखिए, यहाँ कढ़ाई पे कढ़ाई हमने डाल दिया है, और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, और ऑयल डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी बस थोड़ा सा प्याज और मिर्ची। प्याज और मिर्ची डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से लाल कर लेती हूँ, ये देखें। और थोड़ा सा बस मचा हुआ था इसको और मैं लाल कर लेती हूँ। तो बस यहाँ देखें, ये लाल हो चुकी है। तो मैं इसमें सारे बस यहाँ पर सारे साग हमने ऐड कर दिया है, और ये बचा था इसको भी मैंने डाल दिया। और ये देखिए कुकिंग नहीं करता, बस तो इसी तरीके से ऐसे ही बना लेते हैं। और लोग तो कुकिंग करके बनाते हैं, मैं तो बस ऐसे ही बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे सारा साग हमने डाल दिया, और यहाँ पे लगभग 2 मिनट हुआ इसको पकाए हुए, पक चुका है कुछ, आधा पका है। तो और इसमें अच्छी तरीके से पका लेती हूँ। तो बस ये बन चुका है, तो धीरे धीरे इसी तरीके से चला चला के मैं इसको अच्छी तरीके से भून लेती हूँ। खाने में और कुछ वीडियो बनाना मैं ज़रूरी नहीं समझी, तो बस मैंने साग का ही वीडियो बनाया। और बस ये बन चुका है। तो देखिए, इसमें हमने लाल मिर्ची भी ऐड किया था, सूखी लाल मिर्ची ऐड किया था। बस ये बन चुका है, और इसको बस इसी तरीके से धीरे धीरे चला चला के मैं इसे अच्छी तरीके से बना लेती हूँ। और ये साग है ना, थोड़ा पीता होता है, तीखापन होता है, बच्चे लोग इसे पसंद नहीं करते हैं, बाकी बड़े लोग शौक से खाते हैं, वो भी जिसको पसंद है वो भी खाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट।